सीधे जुड़ते हैं केसी त्यागी जी से, जो कि फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं, जेडीयू सांसद हैं और राज्यसभा में बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते आए हैं। और उम्मीद है कि संसद जो ठप हो रही है, त्यागी जी, इस पर आपकी क्या राय बन रही है? आडवाणी जी परेशान हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आपस में उलझे पड़े हैं, और जेडीयू की तरफ से और खासतौर से व्यक्तिगत रूप से आप किस रूप में इसको देखते हैं? पिछले दो दिनों में दो प्रतिक्रियाएं आई जी। आज संविधान के प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति जी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की है कि संसद में व्यवधान कम हो और बहस जाते हो जी। कल इसी तरह की प्रतिक्रिया भारतीय राजनीति के दूसरे सीनियर मोस्ट लीडर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की तरफ से आई थी, जो लगभग 1966 से इस सदन के सदस्य हैं और उन्होंने शासक दल के नेताओं को, स्पीकर को, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को इस बात के लिए लताड़ा कि उन्होंने क्यों विपक्ष के साथ मिल करके संसद की गरिमा क्यों नहीं बनाए रखी और सुचारू संचालन क्यों नहीं होने की। और प्रश्न उठता है कि रूलिंग पार्टी अपनी जीत पे है, आपको जिसमें डिस्ट्रक्शन करना चाहता है। इस विषय में मेरा मानना है कि संसद के बाहर अगर सड़क गर्म है तो उसकी छाया, उसका साया सदन की कार्रवाई पर पड़ेगा। जनता के सवालों पर जब सड़क आंदोलित होती है, किसान, मजदूर, व्यापारी जब तकलीफ में होते हैं, तो उनके सवालों को लेकर के संसद में प्रतिक्रियाएं भी काफी शार्प होती है, जो 50-60-70 के दशक में भी हमने देखा है। इस समय जो डेड लोक है वो प्रधानमंत्री को बुलाया जाए और सदन में वो अपनी बात रखे, ये कोई बहुत गैरबाजी सुझाव नहीं है या मांग नहीं है। रूची वाले मामले में जब लंगा, जब दो महीने का जाम लग गया सदन का, सदन दो महीने नहीं चला और भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टियों ने मिलकर की मनमोहन सिंह को बुलाया जाए ये मांग की थी, तो मनमोहन सिंह जी को भी आना पड़ा। कई अवसरों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी ने भी इंटरवेंशन किया। जब प्रधानमंत्री इतने योग वक्ता हो तो किसी अपनी जिद की वजह से, कितनी अपनी फॉल्स ईगो की वजह से उनको ये इशू नहीं बनाना चाहिए। शासक दल की बड़ी जिम्मेदारी है इस दो काम को तोड़ने की, और मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति के इस सुझाव के बाद जो कस्टोडियन भी है संविधान के, कल नए तरीके से शासक दल के लोग, रूलिंग पार्टी के लोग अप्रोच करेंगे। और विपक्षी दलों से भी मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति के, आडवाणी जी के सुझावों के बाद अगर शासक दल की तरफ से कुछ ठोस प्रस्ताव आता है तो खाली चित के लिए नहीं, सफल संचालन के लिए वो शासक दल का सहयोग करे। जी त्यागी जी, एक सवाल मेरा यह है कि नोटबंदी को लेकर जो फैसला हुआ और उसका एग्जीक्यूशन जिस रूप में हुआ, आप किस रूप में देखते हैं? जो इसका प्रभाव दिख रहा है उससे आप किस, उस पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, नोटबंदी का सवाल इस समय एक बड़ा पेचीदा सवाल है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार भी जी सार्वजनिक तौर पर इसकी प्रशंसा कर चुके हैं कि काले धन की समाप्ति की दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में चर्चा में जुड़े।